अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे यक्स है और यहाँ पे यक्स है, अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा आप समझिएगा। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं पावर के रूप में, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अगर जब दोनों के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई में पावर को हम ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई में पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड कर दीजिए, वन और वन टू, यानी एक्स के ऊपर कितना हो गया, टू, यानी इसका आंसर होगा 1x2। वन हम नहीं लिखेंगे तब भी हमारा चलेगा। फिर से समझते जरा देखिए, एक्स इंटू एक्स, अब तो आसान है आपके लिए। यहाँ पे चेक करो कुछ नहीं है तो वन वन वन, जब सामने तो वन वन वन, सबको आगे मान के चलेंगे तो वन 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 वन, सब वन होगा, छोड़ देते हैं। क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, ऊपर के जो पावर हैं वो कैरी हो जाते हैं, तो वन टू थ्री, एक्स के पावर थ्री, खत्म। बस सिंपल सा। अगर मैं कहूँ एक्स पे फोर इंटू एक्स पे फाइव, अब इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप करो कि आगे वन है तो वन ही रहेगा, एक्स पे फोर एक्स पे फाइव, ऊपर का ऐड होता है याद रखें, सिर्फ मल्टीप्लाई में ऐड होता है, तो एक्स पे फाइव एंड फोर कितना हो गया, नाइन आंसर। मैं आपसे कहूँ टू एक्स पे एट इंटू थ्री एक्स पे फोर, टू एक्स पे एट इंटू थ्री एक्स पे फोर, अगर मैं इसका वैल्यू निकालने के लिए कहूँ तो आप कहोगे सर टू यहाँ पे नंबर है या थ्री नंबर है, तो नंबर्स का नंबर से मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स। अब क्या करते हैं, हमको ये आपके जो लेटर हैं उसके कै सॉरी सॉरी ये जो आपके लेटर हैं उसके पावर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो एट यहाँ पे है, फोर यहाँ पे है, तो यक्स के ऊपर पावर कितना हो गया, ट्वेल्व, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6x पे 12। एंड इस तरह से आपका मल्टीप्लाई का रूल फॉलो होता है, जब भी मल्टीप्लाई आप करोगे तो मल्टीप्लाई में सिंपल सा जो पावर होता है वो ऐड होता है। फिर वही काम, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ आपके लिए और मैं कहूँ कि यक्स है और y से मल्टीप्लाई करना है, तो याद रखना बाबू x y दोनों अलग अलग है, मल्टीप्लाई होगा तो बस साथ में हो जाएंगे x y, इनके पावर आपस में जुड़ते नहीं है। मैं कहूँ x पे 2 इंटू वाई पे 3, x पे 2 इंटू वाई पे 3, चेक करना है यहाँ पे x ये y है दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, x पे 2 एंड y पे 3 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं लिखूँ x पे 2 y पे 3 इंटू एक्स पे 4, चेक करो ये x है ये x है, तो x वाले आपस में हो जाएंगे, x पे 2 और x पे 4, x पे 6 एंड y पे 3 अकेला है, तो y पे 3 अकेला ही रहेगा। इस तरह से इस तरह का हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसी का यूज हमको अब यहाँ करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे x पे 2 है, यहाँ पर भी x पे 2 है, तो आप कहोगे सर मैं इसको जोड़ दूंगा, आराम से जोड़ दूंगा, जोड़ देते हैं। यहां पे कहोगे 4 और 2 6, x पे 2 और x पे 2, क्या करोगे जल्दी, x पे 2 और x पे 2, x पे 4, रॉन्ग। याद रखना अभी मैंने बोला था कि केवल और केवल ये मल्टीप्लाई में ऐड होते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्शन में उनका कोई काम नहीं होता है। ये यक्स पे 2 है, यक्स पे 2 है, तो यक्स पे 2 ही रहेगा, 6x पे 2। ये मान के छोड़ो पूरा कोई एक अलग सामान है, चाहे आम मानो चाहे इमली मानो, दोनों पूरा अलग है। चलिए एक और देने का प्रयास करते हैं, अगर हम लिखें 4x पे 4 प्लस 3x पे 4 प्लस 8x पे 4, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आपसे कहेंगे सिंपल सा ऐड करने के लिए, आप कैसे ऐड करोगे, तो आप नंबर्स को नंबर के साथ जोड़ोगे, 4 3 7 और 7 8 कितना हो गया, 15, राइट। नंबर्स को आपने नंबर्स के साथ ऐड कर दिया, और कुछ नहीं करना है आपको, यक्स पे 4 लिख देना है। आप इसको बार बार बोल रहे हैं, आप इसको ऐड मत करना, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, सॉरी बीच में ऐड है, जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक ऐड भी नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं, अगर इसी में थोड़ा सा आपसे मैं कहूँ 2x पे 2 प्लस 3x, अब आप इसका ऐड बताइए, 2x पे 2 और 3x, आप कहोगे सर यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, राइट, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो क्या हम इन दोनों को जोड़ दें, क्या उन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, जरा सोचिए,
दोनों जगह पे यक्स आपको दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर आपने तो अभी बताया है कि अगर यक्स हो दोनों जगह सेम हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे यक्स नहीं है, यक्स के ऊपर 2 है और यहाँ पे यक्स सिंपल है यानी 1 है, जिसका मतलब है कि यहाँ वाला जो चीज़ है, यहाँ वाला जो अक्षर है वो अलग है और यहाँ वाला जो अक्षर है वो क्या है, अलग है। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है, इस कंडीशन में एडिशन नहीं होगा, यानी एडिशन आप नहीं करोगे। पुराना रूल 2x पे 2 एंड 3x, आप इसी तरह लिख दोगे, आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक, यानी कि जो आपका एडिशन होगा, फिर बोलना है जो सेम होगा, एकदम देखने में सेम, नाक आँख मुंह कान सब सेम, थोड़ा सा भी कुछ अलग हुआ एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। आगे थोड़ा सा करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3x पे 4 प्लस 2x पे 2 प्लस 3x² प्लस 4x पे 4 प्लस 3x पे 5, अब मैं कहूँ इस नंबर को आप जोड़िए, ऐड कीजिए, आप क्या करोगे, समझना बात को, कुछ करना मत, आप जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको एक पास करो, जो अलग दिख रहे हैं उनको अलग करो। ज़रा देखना, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, तो 4 वाले को एक पास, 2 वाले को एक पास। तो अगर मैं एक पास करने का प्रयास करूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 3x पे 4 प्लस 4x पे 4, ऊपर 4 है, दोनों 4 वाले एक पास आ गए। क्लियर यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। प्लस 2 और 2 एक पास, 2x पे 2 और प्लस 3x पे 2, और लास्ट में अगर कुछ बच रहा है उसको लिख दो 3x पे 5, यानी इस तरह से आपका अब ऐड करने के लिए अंक तैयार हो गए। चलिए जोड़ते हैं, ये सेम है 3 और 4 7, यक्स पे 4 और 4 8 4 4 8, नहीं जोड़ में जुड़ता नहीं है, 7x पे 4, देन ये दोनों तो खत्म हो गया। आगे 2 और 3 5, यक्स पे 2 एक्स पे 2 एक्स पे 4, वेरी गुड, एंड नेक्स्ट लास्ट में ये सिंगल है, अकेला है, तो 3x पे 5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो भी सवाल आपके इस तरह के हैं, इन सारे सवालों को जब आप करोगे तो इतना ध्यान देना कि जो एक जैसे होंगे उनको जोड़ देंगे, जो अलग होंगे उनको छोड़ देंगे, यानी यही आपका सिंपल सा एडिशन का रूल कहता है, इसके अलावा कुछ और नहीं है एडिशन में। अब इसी को आप जितना घुमा के पूछ सकते हो उतना घुमा के आप पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो सब्ट्रैक्शन का होगा। जब आपको एडिशन समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन और आसान है, सब्ट्रैक्शन पूरा यही रूल फॉलो होता है और कुछ उसमें अलग से नहीं, बस यहाँ पर आप जोड़ते थे वहाँ पर आप माइनस कर दोगे। टेक योर टाइम और नोट कर लो। चलिए मिटा देता हूँ इसको। चलिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा सब्ट्रैक्ट का। चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्ट में हम क्या कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट होता है। सिंपल सा, इसमें भी वही रूल आप याद रखिएगा, अगर सेम होंगे तो आप घटाओगे, अलग होंगे तो आप छोड़ दोगे, इसके अलावा इसमें भी कोई रूल अलग नहीं है। मैं आपसे लिखना चाहूँ यहाँ पे 3x माइनस 4y, बताइए इसका आंसर कितना होगा, 3x माइनस 4y, जल्दी से अपने कॉपी में नोट कीजिए, जल्दी बताइए इसका आंसर कितना होगा 3x माइनस 4y, जल्दी। जी हाँ, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहोगे सर यहाँ तो यक्स है, जी हाँ यक्स है, यहाँ पे वाई है तो है। अब आप बोलोगे सर ये यक्स और वाई दोनों अलग अलग है, एक्स और वाई दोनों अलग अलग है, और इस कंडीशन में आप ही तो बताए थे कि जब यक्स और वाई अलग अलग हैं, दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों अक्षर अलग हैं, तो उसमें हम एड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते, यानी ये एज इट इज इसी तरह आ जाएगा, 3x माइनस
4y, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं 3x माइनस 2x, अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो 3 में से 2 माइनस कर दिए 1 और x, यानी इसका आंसर हो गया 1x, 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, आंसर कितना हो गया x, वेरी गुड। अब मैं आपसे कहूँ 3x स्क्वायर 13x स्क्वायर माइनस 2x, इसका आंसर बताओगे, कहो सर ये तो अब हमको आगे एडिशन किए हैं, एडिशन के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है क्योंकि ये अलग है और ये एक्स है, ये अलग है, दोनों चीज़ें जब अलग हैं दिखने में अलग है, अरे इसका सिंग है इसका सिंग नहीं है, तो अलग हैं तो क्या करोगे यार, सिंपल सा वही आंसर जो आपका दिया हुआ है 13x स्क्वायर माइनस 2x, यही आपका आंसर हो गया। चलिए बहुत अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँ, 13x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहोगे सर अब तो आसान हो गया है, 13 में से 4 माइनस कर दीजिए 9x स्क्वायर, तो ये आपका सब्ट्रैक्शन भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, यानी कुछ नहीं करना है, जो आपने एडिशन में सीखा वही काम आपने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन में कर दिया, यानी कि एक जैसे होंगे तो घटेंगे, अलग होंगे तो नहीं घटेंगे। चलिए आगे थोड़ा सा अब अपने सवाल को बड़ा करते हैं, बड़ा करने का मतलब क्या है कि इस सवाल में आप सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों साथ लेकर चलोगे, सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों साथ लेकर चलोगे। चलो चलते हैं साथ लेकर थोड़ा सा, अगर आपसे हम कहें 3x पे 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x पे 4 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। चलो अब आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा, कहोगे सर इतना बड़ा अब कैसे होगा। चलिए इस सवाल करने से पहले एक थोड़ा सा रूल जान लेते हैं, रूल को नोट कर लीजिए, कॉपी किताब निकाल लीजिए। अगर आपके पास दोनों प्लस अंक हैं तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर भी हमारा प्लस ही होगा, और जो इसका सिंबल लगेगा वो भी प्लस का लगेगा, समझिएगा। या अगर मैं कहूँ कि आपका एक प्लस है और एक माइनस है, जब इस कंडीशन में आप करोगे तो प्लस माइनस होगा, तो हमेशा ये काम होगा वो घटाने का होगा, सिंबल किसका लगेगा तो जो बड़ा होगा, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का सिंबल, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का सिंबल। अगर माइनस और प्लस है तब भी जो काम होगा वो घटाने का ही होगा, तब भी जो काम होगा वो किसका होगा, घटाने का होगा, और जो सिंबल आप लगाओगे वो लगाओगे बड़े का, और आपका अगर माइनस और माइनस हो तो आप वहाँ पे जोड़ करोगे, सिंबल लगाओगे माइनस का। अब कहोगे सर ये तो कुछ पढ़ले ही नहीं पड़ा, ये क्या प्लस 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 सिन प्लस प्लस माइनस घटाना बड़ा प्लस, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा, अपने इस क्वेश्चन को अभी एक मिनट के लिए ब्रेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपके सामने माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स, इसको सॉल्व करो, तो सबसे पहले जब इसको आप सॉल्व करने जाओ ना, तो एक बात याद रखना, किसी भी अगर आप सवाल को सॉल्व करते हो, नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, यहाँ वाला नोट कर लेना, सवाल को सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने में सबसे पहले आप जब सॉल्व करना तो उसके सिंबल को सॉल्व करना, यानी उसके चिन्ह को सॉल्व करना, दूसरे नंबर पे उसके अंक यानी डिजिट को सॉल्व करना, और तीसरे नंबर पे आप आना अक्षर पे, समझना बात को। सॉल्व करना तो सबसे पहले चिन्ह को देखना, फिर अंक को देखना, फिर अक्षर पे आना, लेटर पे आना, उसके बाद ही आप उसको क्या करना, सॉल्व करना। चलिए मैं अगर बात करना चाहूँ इसको सॉल्व करने का, तो अपने मेथड के हिसाब से सबसे पहले हमको देखना क्या है, चिन्ह को। तो चिन्ह अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। अब जब हमको दिख रहा है दोनों माइनस है, तो अपने इस वाले फार्मूले में या इस वाले टेबल में मैं देखूं कि अगर दोनों जगह माइनस होता है तो वहाँ पे जो हमारा काम होता है वो एडिशन का होता है,
जब दोनों जगह माइनस होता है तो काम किसका होता है, एडिशन का होता है, यानी कि ये दोनों अगर माइनस हैं तो ये घटेंगे नहीं, जुड़ेंगे। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, दोनों अगर माइनस है तो काम जो होगा वो किसका होगा, एडिशन का होगा। तो ऐड कर दो, किसको ऐड करोगे, चिन्ह का काम खत्म, अंक में आओ, दो और दो चार, दो और दो चार, उसके बाद अक्षर पे आओ, अगर यक्ष है दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स। अब लास्ट में आपको फिर से एक बार एक और चिन्ह देख लो ताकि आप अपने सिंबल को भी लगा दो, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो अभी आपने पढ़ा जब दोनों जगह माइनस तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस, यानी जो आपका आंसर आएगा वो किस में लिखोगे, माइनस में। चलिए एक और सवाल करते हैं, मैं लिखूं, थ्री एक्स प्लस फोर एक्स, सबसे पहले चिन्ह को देखते हैं, आगे अगर कोई सिंबल नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पे हम प्लस मानते हैं, तो प्लस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे, दोनों प्लस है तो काम किसका होगा, एडिशन, जोड़ दो, थ्री और फोर सेवन, दोनों एक्स है तो जुड़ जाएगा। दूसरा, अब आपको जो देखना है वो ये देखो कि एक्स था तो ये हो गया, चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का, तो प्लस लगाने की जरूरत है ही नहीं है, प्लस है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 4x या 4y माइनस 2y, इसका आंसर कितना होगा, 4y और 2y, समझना, चिन्ह देखते हैं जरा, ये प्लस है कुछ नहीं है तो प्लस है, एक प्लस हो गया दूसरा माइनस हो गया। आपने अभी कहा कि अगर प्लस और माइनस होगा तो हम किसका काम करेंगे, सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे, यानी यहाँ पे हम जो होगा वो घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चार में से दो जाएगा, तो दो अक्षर आपका कौन सा है, वाई, लग गया वाई, चिन्ह किसका लगाना है, तो आपने लिखा है जो बड़ा होगा, चिन्ह किसका लगाना है, जो बड़ा होगा, तो जरा ध्यान देना, चार बड़ा है कि दो बड़ा है, अरे ये तो आसान सा है, चार बड़ा है कि दो बड़ा है, तो आप कहोगे चार बड़ा है, जब चार बड़ा है तो चार के साथ कौन सा सिंबल है, कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, अब प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, यानी इसका आंसर ये हो गया। लेकिन अगर हल्का सा सवाल को मैं अगर चेंज कर दूं, हम लिखें यहाँ पे 4a माइनस 8a, 4a माइनस 8a, अब बताइए इसका आंसर कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये प्लस है ये माइनस है, यानी एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस है, तो प्लस माइनस का यही काम हुआ, तो घटाएंगे, घटाते किस में से हैं, हमेशा बड़े से छोटे को, तो आठ में से चार को आप घटा दो, आप कहोगे सर चार ए, बट आगे आपको क्या करना है, चिन्ह लगाना है, तो चिन्ह किसका लगाओगे, जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है, आठ बड़ा कि चार बड़ा, आठ बड़ा, जब आठ बड़ा तो आठ के साथ कौन सा चिन्ह खड़ा, माइनस, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे, यानी जो आपका आंसर आएगा वो होगा माइनस फोर ए। इसी तरह से आपका एक और सवाल है लास्ट में, अगर मैं लिखना चाहूँ माइनस थ्री ए माइनस, सॉरी प्लस टू ए, आप वही कहोगे सर माइनस और प्लस, माइनस प्लस का काम किस में होगा, घटाने का, तो घटा दो, तीन में से दो जाएगा, एक ए, चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो बड़ा तीन है, तो तीन के साथ माइनस है, तो माइनस, ये काम हो गया हमारा तीन है। चलिए एक और हल्का सा सवाल करते हैं, अगर मैं लिखूँ माइनस चार ए माइनस छः बी, अब बताइए इसका काम क्या होगा, सर आप कहोगे माइनस माइनस है, दोनों माइनस है तो जोड़ देंगे, राइट, दोनों माइनस है तो जोड़ देंगे, जल्दी से अपना कॉपी में आंसर लिखिए, जल्दी फटाक से लिखिए, देखिए चेक कीजिए किसका सही है, माइनस फोर ए माइनस सिक्स बी, कितना आंसर आया, चेक कीजिए, मिलाइए, अगर मैं कहूँ माइनस फोर ए माइनस सिक्स बी, आप कहोगे सर माइनस माइनस से जोड़ होगा, बट आप शायद पिछला रूल भूल रहे हो, पिछला रूल क्या कहता था, अगर एक ए है दूसरा बी है, यानी एक और दो दोनों अलग अलग हैं, तो ना तो ऐड होंगे ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी आंसर जो आपका होगा यही उतरेगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यानी छोटी छोटी गलतियों को आप अपना सही कीजिएगा, तभी आपके सवाल जो होंगे वो सही होंगे। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा माइनस फोर ए माइनस सिक्स बी, ये आपका सवाल है। अब आइए जरा अपने इस सवाल पे आते हैं जो हमारा मेन सवाल था, करना क्या आपको, जब भी आपको जो इस तरह का सवाल दिखाई दे, एक ही में आपका प्लस माइनस सारा हो, आप ये काम कीजिए, जो एक जैसे दिखते हैं उनको एक पास कर लीजिए, और जो अलग दिखते हैं उनको
अलग कर लीजिए। देखिए कौन कौन से एक पास है, यक्स पे चार और दो एक, कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, यक्स पे चार दो और एक, तो चार वाले के पास कर लीजिए चिन्ह के साथ, याद रखिएगा चिन्ह के साथ। तो यह है थ्री एक्स पे फोर, यहाँ पे देखिए कौन सा चिन्ह है, प्लस फोर एक्स पे फोर, इसका काम खत्म। आगे आइए, यक्स पे दो और ये एक्स पे दो, दोनों को लिखते हैं चिन्ह के साथ, इसको मत भूलिएगा, इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस टू एक्स पे टू और इसके आगे भी माइनस टू एक्स पे टू, ये भी खत्म। नेक्स्ट क्या बचता है, ये तो इसके आगे माइनस थ्री एक्स और ये प्लस फोर एक्स और लास्ट में बच जाता है थ्री, उसको हमने उसी तरह छोड़ दिया। अब तो इजी हो गया, अब सॉल्व कर लो आप, थ्री एक्स पे फोर और फोर एक्स पे फोर, तो फोर और थ्री सेवन एक्स पे फोर, अरे चार और तीन सात, एक्स पे चार एक्स पे चार उतर गया। फिर यहाँ पे आते हैं, जरा इस वाले को देखने का प्रयास करते हैं, ये भी माइनस, रूल क्या कहता है, माइनस माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे, तो माइनस दो और माइनस दो जोड़ेंगे कितना हो गया चार, यक्स पे दो एक्स पे दो, चिन्ह किसका लगाएंगे माइनस का, तो यहाँ पे जो चिन्ह आ गया वो किसका आ गया माइनस, सिंपल रूल तो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे माइनस तीन एक्स प्लस चार एक्स, एक जैसे हैं, एक माइनस दूसरा प्लस, माइनस प्लस काम क्या होगा घटाने का, किसमें से घटता है बड़े से छोटा, तो बड़ा कितना है चार, चार में से तीन गया एक, यानी एक यक्स, राइट। चिन्ह किसका लगाते हैं बड़े का, तो बड़ा कौन है तो प्लस है, तो यहाँ पे लग क्या गया प्लस, ठीक है। नेक्स्ट जो बचता है उसको उतार देते हैं, अब कुछ नहीं होने वाला है, तो इसको हमने क्या कर दिया वैसे ही छोड़ दिया। एक बात याद रखिएगा, इसमें एक और आप याद कर सकते हैं, चिन्ह हमेशा बड़े का ही रहता है, तो जो भी आपको बड़ा दिखाई देगा हमेशा उसमें चिन्ह लग जाएगा बड़े का, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस है तो बड़ा प्लस है, इसमें दोनों माइनस है तो बड़ा वाला भी क्या होगा माइनस होगा, तो चिन्ह हमेशा आपका जो बड़ा होगा उस बड़े का ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से आप लिख लीजिएगा कॉपी में, अच्छे से देख लीजिएगा, इस पे कुछ आपके सवाल होंगे जो मैं आपको दे दूंगा या कल लिख बोर्ड पे दूंगा, जिसको आपको सॉल्व करके दिखाने होंगे, आप उसका आंसर आप लिख कर हमको दिखाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, घर पर बैठे हैं अच्छे से बैठ के पढ़ते रहिएगा, ज़्यादा घूमिएगा नहीं, और अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।